हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और आप लोग की भी मकर संक्रांति अच्छे से बीती होगी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा बना के आप लोगों ने भी लड्डू वगैरह खाए होंगे, और जो भी आप लोग के यहाँ होता होगा वो किया होगा। तो हम लोग के यहाँ तो यही होता है, सुबह सुबह खिचड़ी बनी थी। पूजा पाठ करने के बाद जो चावल दाल उड़द की दाल ये सब चीज़ें निकाल दी दान के लिए, और उसके बाद शादी वाली उड़द की दाल की खिचड़ी बना ली थी। हींग हल्दी नमक यही डाल के सिंपल, और यही सब खाया था। और ये शाम का टाइम है, ये देखो ये मेरे बगल में है आंटी का घर, वहाँ से ये लड़की छोटी सी है, मान्यता नाम है इसका, कूद के आ जाती है दीवार फांद के यहाँ पे खेलने के लिए इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो ये लोग बस पतंग उड़ा रहे थे, शाम का टाइम था, तो मैं भी वहीं उन लोग के साथ ऊपर ही थी थोड़ी देर। काफ़ी लोग पतंग उड़ा रहे थे यहाँ पे, मकर संक्रांति बसंत पंचमी इस पे पतंग खूब उड़ाई जाती है। तो मैंने भी थोड़ी सी, कई बार देव बोलता था कि मम्मी आप भी पतंग उड़ा लो, तो बस मैंने भी थोड़ी सी पतंग उड़ाई। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे थोड़ा सा अलग खुशी मिले। ये यहाँ पे नीचे बारात जा रही थी, बारात क्या जा रही थी, शादी का है कुछ तैयारी ऐसे ही कर रहे थे। दूर कहीं पीछे से आया था, हमें नहीं पता था। और ये मेरी बन रही है मटर पनीर, तो मटर पनीर के लिए मैंने लिए थे 2 बड़े प्याज, वो काट दिए थे, थोड़ा सा अदरक और 1 लहसुन की जो पुती होती वो छील ली है, 2 हरी मिर्च डाली हैं, और यहाँ पे लिया है टमाटर, 4 टमाटर थे वो उनको काट लिया है। तो थोड़ा सा पहले प्याज हो गई, तो उसके बाद हल्की सी प्याज होने के बाद लहसुन मिर्च अदरक डाल दिया, उसको थोड़ा देर फ्राई किया। और इधर मैंने मटर रख दी है उबलने के लिए, क्योंकि मटर उबाल के डालने से अच्छा रहता, पक जाती है तो। और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने टमाटर, इसमें टमाटर भी फ्राई हो जाएंगे। और टमाटर डालने के बाद डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा क्या, मैं डाल ही देती हूँ जितना सब्जी में पड़ता है, फिर बाद में नहीं डालती हूँ, नमक इसी में डाल देती हूँ, जल्दी से गल जाते हैं प्याज टमाटर, इनको फिर टाइम नहीं लगता। उसके बाद ढक दूंगी, फिर थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी, थोड़ी देर में ये जब गल जाएंगे टमाटर पक जाएगा तो बस बंद करके ठंडा करके पीसना है। तो इस तरह से आज मटर पनीर बनने की प्लानिंग है। और थोड़ी देर मैंने पतंग उड़ाई बच्चों के साथ, थोड़ी देर रही तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बच्चों के साथ भी बच्चे बनने में बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग सी खुशी मिलती है, भले हम लोग थोड़ा सा करने में वो लगे कि बच्चों के साथ लगने में, लेकिन यही है कि हो जाता है कभी कभी बच्चों के साथ, अलग ही खुशी मिलती है, करना चाहिए। बच्चों को भी बहुत खुशी मिलती है हम लोग अगर उनके साथ में खेलते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और 4 चम्मच तेल के डाले हैं, और थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये बनाने की, कचौड़ी बनाने की तैयारी है। आज दाल वाली कचौड़ी बनाऊंगी, उड़द दाल की कचौड़ी। और यहाँ पे उड़द दाल की कचौड़ी के लिए आटा उसमें डाल के मैंने दे दिया था, दीक्षा आटा गूंद देगी। और इधर मैंने पनीर को काट के इसको फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा सा डाल के, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं उड़द दाल पीसने जा रही थी, तो इसका पानी छान दिया था, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें बचा हुआ था, तो बस उसमें से निकाल के इसको पीसने जा रही थी। छोटे वाले जार में मैंने वो प्याज लहसुन जो फ्राई किया था वो रख दिया था, तो मैंने कहा चलो इसमें जल्दी कर लेती हूँ, बहुत बारीक पीसना नहीं है, तो इस वाले जार में डाल के पीस लूँगी और झट से कढ़ाई खाली होते ही उसमें फ्राई कर लूँगी। पर कभी कभी कहते हैं ना, जितना जल्दी करने की सोचो और उतना ही लेट होता है, तो वही हुआ मेरे साथ। यहाँ पर मैंने इसको तो पीस लिया, मतलब डाल तो दिया मैंने उस वाले जार में, पर वो जार चला ही नहीं, बहुत दिनों से रखा था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यूज नहीं करती हूँ, तो वो चला ही नहीं। और यहाँ पे मैंने, ये गर्म पानी था, मटर उबली हुई थी, तो मटर धुल के डालते हैं, तो वो पानी उबला है तो मुझे सही था, उसी से मैंने डाल के जार को धुल लिया, गर्म पानी था तो जल्दी से वो छूट गया, क्योंकि प्याज ये सब पीसा था, पेस्ट उसमें चिपक गए थे। और ये देखिए जार कैसे इसका ये जाम हो गया है एकदम से, ये जो घूमता है ब्लेड जो होती है चली नहीं रही है बिल्कुल, तो इसलिए मुझे दाल को पीसने के लिए फिर उसी छोटे जार में ही पीसना पड़ा। और ये देखिए दाल को बहुत बारीक नहीं पीसना है, पर थोड़ा सा हल्का सा मतलब रह जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ तेल डाल दिया है, ऑयल कोई भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा अदरक और मिर्ची मैंने कूट ली है, हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन, जीरा और हींग का छौंक दे दिया है, और अदरक और मिर्ची डाल दी है। तो अदरक मिर्ची तो हमेशा पीस के ही डालती हूँ,
ताकि बच्चों के लिए, मतलब बच्चे खा लेते हैं तो उनका तीखा लग जाता है तो फिर कोई चीज़ जल्दी खाते नहीं है, तो इसलिए हमेशा पीस के ही डालने से सही रहता है, स्वाद भी अच्छा आता है। और यहाँ पे अदरक मिर्ची वो सब हो गया है, तो जो दाल पीस के रखी थी उड़द दाल की, उड़द वाली दाल, तो उसको डाल के इसमें फ्राई करने के लिए बस फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा, बहुत देर तक नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले, मतलब गरम मसाला नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, बस यही डालूँगी और नहीं डाल और वो अमचूर या चाट मसाला दोनों ही मैंने रख रखा है, थोड़ा थोड़ा वो दोनों ही डाल देती हूँ। ऐसे आप एक भी चीज़ डाल देंगे तब भी चलेगा, मतलब दोनों से ही स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे नमक डाल दिया है इसमें अपना स्वाद के, वैसे आटे में भी नमक है तो नमक कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, तो आटे नमक अजवाइन डालने से स्वाद बढ़िया आता है। आटा कोई भी कचौड़ी का पराठे का बनाते हैं तो अजवाइन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अजवाइन हुआ, हींग हुआ, ये सब चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। और यहाँ पे बस उसको डाल के दाल को मैंने भूंज लिया था, और भूंजने के बाद अब बनेगी सब्जी मेरी, उसकी भी सारी तैयारी हो चुकी है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग थोड़ा सा कहीं कोई आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, जल्दी करने के चक्कर में मैं ऐसे ही कर रही थी, लेकिन सारा ही मेरा लेट हो गया, उस जार से मुझे फिर पलटना पड़ा, फिर करना पड़ा। और यहाँ पे मैंने हींग और जीरा, दो तेज़पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी और एक बड़ी इलायची को कूट के डाल दिया है। और उसके बाद वही जो टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का वो पेस्ट बनाया था फ्राई करके, वो डाला है। और यहाँ पे भी मैं वही पानी यूज कर रही हूँ, तो बस इसको फ्राई करना है। और इस तरह से मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है, आपको बाहर से पनीर के लिए या उसके लिए मसाला जो आता है अलग से ख़रीदना नहीं है, इसी मसाले से आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। और हल्दी पाउडर फिर डाल दिया है मैंने इसमें, और धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, बस ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और उसके बाद थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इसमें मैंने डाल दी है, और डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनना है। और नमक तो पहले ही डाल रखा है सब्जी में, नमक डालना नहीं है। और उसके बाद ये मटर जो थी उसको डाल दिया है, मटर बॉयल हुई थी, उसके बाद ये जो कटोरे में मसाले वगैरह लगे थे ये धुल के डाल दिया है अच्छे से, और पनीर डाल देंगे, बस हो गया तैयार। उसके बाद उबलने देना है, और लास्ट में आप एक दो दिन की जो फ्रेश मलाई होती है जब पकने के बाद वो डाल दीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे बना के, इस तरह से मटर पनीर तो अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आज मैं जो कचौड़ी बना रही, इससे पहले मैंने मटर की कचौड़ी, कई भी कचौड़ी मैदे में भी बहुत लोग बनाते हैं और अच्छी भी लगती है मैदे में, लेकिन ये होता है मैदा थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं बहुत कम यूज करती हूँ मैदे को, जहाँ पे मैदे से ही काम होता है वहीं, और जहाँ हम आटा यूज कर सकते हैं वहाँ हम आटा यूज कर लेते हैं, क्योंकि आटा तो हम रोटी खाते हैं, आटा अच्छा होता है, तो आटे का मैदे की जगह पर यूज कर लीजिए। और मैदा हुआ कुछ चीज़ें जो हमें नुकसान करती हैं उसको जहाँ तक हो सके उसको कम ही यूज करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने वही दो दिन की फ्रेश मलाई डाल दी है इसमें, जब सब्जी मतलब पूरी पनीर पक चुकी थी, लास्ट में उबल रही है तो खोल के बस इसको डाल के अच्छे से चला दूँगी, और बस उबलते उबलते ही थोड़ा सा एक उबाल और आ जाएगी इसमें, उसके बाद बस इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर ये हरी धनिया काट के डाल दिया है, और बस मेरी पनीर बनके तैयार हो गई है, तो बहुत ही टेस्टी अच्छी पनीर बनी थी। और इसके बाद अब ये कचौड़ी मेरी बनेगी, तो आज खिचड़ी थी, सुबह टाइम पे तो खिचड़ी ही खाते हैं, तो शाम को बस कचौड़ियाँ यहाँ पर बना ली हैं मैंने, बस अच्छी अच्छी कचौड़ी और पनीर बन गई है, तो आ जाइए आप लोग भी खाइए। कई लोगों का मैसेज कमेंट आता है कि हमें भी खाना है, तो आप लोग पूरे मेरे दिल से मन से इनवाइट हैं, और गर्मा गर्म कचौड़ी और पनीर, मटर पनीर की सब्जी आके खा लीजिए आप लोग भी।
यहाँ पे खाना बन चुका है। सुबह बृहस्पतिवार था, फिर भी हम लोग वीरवार को खिचड़ी नहीं बनाते हैं, पर आज त्यौहार पर जाने से आज खिचड़ी बनी थी तो शाम को ये बन गया। और मीठा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मीठे में ये लोग बहुत सारे लड्डू वगैरह खा रखे हैं, तो बस तीखा तीखा कुछ खाने का मन था, तो सब्जी बन गई पनीर। और ये कचौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है उड़द दाल की, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल है, आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और अच्छी भी लगती है। तो 4 दिन की ज़िंदगी है, खूब अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और थोड़ा बहुत जो बच्चों के साथ अगर टाइम बिताते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो इसलिए अपनी जो भी मिले हंसते बोलते अच्छे से ज़िंदगी काटते रहिए, अच्छा अच्छा बनाते खाते रहिए, खूब इंजॉय करिए, क्योंकि ये आँखें बंद होने के बाद पता नहीं है फिर कब कहाँ कौन किससे मिले। तो इसलिए ज़िंदगी जी भर के जिए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो बाय बाय।